जनजन की आवाज़ जीएन भारत फिर से एक बार ईडी कार्यालय के बाहर खड़ा है। आपको बता दें कि ईडी के तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते आ रहे हैं, लेकिन अब जो नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है पूजा सिंघल के पूरे प्रकरण में, आपको बताते चले कि पूजा सिंघल जो थी वो 2009 और 2010 के बीच में खूंटी की उपायुक्त रही है। उस समय उन्होंने मनरेगा घोटाला किया था, 18 से 19 करोड़ के बीच का घोटाला था। इसको लेकर अब नया अपडेट ये आ रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने आदेश दे दिया है कि इसका एसीबी जांच होगा। जी हाँ, अब ये पूरे प्रकरण का जो घोटाला, स्पेशली मनरेगा घोटाला हुआ था, इसका जाँच एसीबी करेगी। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है, एसीबी करेगी वो इसलिए क्योंकि ये वही एसीबी है जिन्होंने पूजा सिंघल को बचाया था। जी हाँ, जब 2009 और 2010 के बीच में जब ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और वो उपायुक्त थी, खूंटी की डीसी थी, तब ये घोटाला उन्होंने किया था। उस समय भी आपको बता दें कि एसीबी का जांच हुआ था, लेकिन यही एसीबी ने उन्हें पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया था। बताते चले कि रघुवर सरकार में भी जांच हुई थी, लेकिन उस समय भी क्लीन चिट दिया गया था। इस पर रघुवर दास सरकार की भी काफ़ी उनको पर्सनली बहुत आलोचना झेलना पड़ा था कि आपके सरकार ने कैसे क्लीन चिट दे दिया। अब वही एसीबी को ये कमान मिली है कि वो पूजा सिंघल प्रकरण की पूरी जांच करेगी। इसके साथ ही और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जब ये घोटाला हुआ था तब बहुत बड़े बड़े आईएएस अफसर उस समय जो थे उन लोगों ने पूजा सिंघल का बचाव किया था, पूजा सिंघल को बचाया था। असल में बात ये था कि इस पूरे मनरेगा घोटाले में सिर्फ एक पूजा सिंघल ही नहीं थी बल्कि और भी कई बड़े बड़े नौकरशाह हैं जो इसमें सम्मिलित थे। लेकिन जब ये घोटाला निकल के सामने आया और जब बड़े बड़े नौकरशाहों ने देखा कि अब बचना जो है वो मुश्किल है, आईएएस पूजा सिंघल तो फंस रही है, इससे हम भी फंस सकते हैं, इसलिए सबने मिलकर, जी हाँ, इवन सबने मिलकर एक दूसरे को बचाया है। जितने भी बड़े बड़े नौकर शायद सबने मिलकर एक दूसरे को बचाया है, जितना सहयोग हो पाया है एक दूसरे को बचाने में दिया है। साथ ही एसीबी के जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया था, सीएम हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि उन एसीबी अधिकारियों के जो काम करने की शैली है उन पर भी सवाल कीजिए और उनकी भी जाँच करिए। आखिर उन्होंने इतने बड़े घोटाले को क्लीन चिट कैसे दे दिया? जी हाँ, तो अब जो एसीबी के खुद ये कह सकते हैं कि रक्षक जो है या भक्षक बनते खुद ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसीबी एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो करप्शन एंटी ब्यूरो, जो कि करप्शन के खिलाफ काम करती है, अगर वही इस तरह की हरकत करेगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा सवाल निकल के सामने आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे एसीबी के पुराने अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं और जो बड़े बड़े नौकरशाह है अब उन पर भी गाज गिरते नजर आ रहा है। यानी कि अब ईडी ने जो आईएएस पूजा सिंघल को, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जो दबोचा है, अब सिर्फ आने वाले समय में आप ये देख पाएंगे कि सिर्फ आईएएस पूजा सिंघल ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नौकरशाह कोटवार जेल की राह देख पाएंगे। जी हाँ, ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा श्रेय अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।